हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थानी व्लॉगर नरेंद्र रावत में। कैसे हैं आप सभी लोग, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और आज की जो व्लॉग है उसकी शुरुआत हम कर रहे हैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, यानी सुबह सुबह दूध देने जा रहे हैं अभी हम। मैं यहीं से लाइव आता हूँ रोज, बट आज मैं लाइव नहीं आ रहा हूँ, आज मैं दिन में लाइव आऊंगा। और आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और क्या, आज हैप्पी संडे। तो अभी हम जा रहे हैं दूध देने और उसके बाद बहुत सारे काम करने बाकी हैं, क्योंकि आज बच्चे गए हैं उनकी नानी के, पूरा खेत का जो घर का पूरा काम है मेरे जिम में आ गया, तो वो सब मुझे करना पड़ेगा। बहुत सारा काम तो मैं निपटाया हूँ, पूरा काम। सुबह जल्दी उठा था आज, तो मिल्किंग, पशुओं का चारा, आज नल भी आए थे तो पानी भी भरा है। और पानी भरते भरते मैं लेट हो गया हूँ, अभी 7:15 हो रहे हैं, जैसे मैं 7 बजे तक निकल जाता हूँ दूध देने के लिए, बट आज थोड़ा लेट हो गया, पानी भी आया था, नल आए थे इस कारण। और अभी बहुत सारे काम करने बाकी है भाई, और फिर जाएंगे खाना खाने मम्मी के यहाँ पर। मम्मी के यहाँ पर भी आज मम्मी बना रही होगी खाना, क्योंकि वो भी नहीं है, छोटे वाले भाई की मिसेज वो भी नहीं है, तो तीनों देवरानी जेठानी गई आज राखी पे। और आज हम ही हैं सब अकेले, तो पूरा घर का काम हमें देखना है। अभी हम दिखाते हैं आपको थोड़ा थोड़ा सा काम जो हमें करना है आज। सामने यहाँ पर ये जो पोल्ट्री फार्म है, यहाँ पर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर कुछ लोग मजदूर हैं छत्तीसगढ़ वहाँ के, तो वो यहीं रहते हैं, तो कंटिन्यू 2-3 साल से मैं इनको दूध देता हूँ, यहीं से लेते हैं वो दूध। तो अभी हम यहाँ से दूध देके वापस जाएंगे घर को, और घर जाके हमें बहुत सारे काम करने हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए बाल तो चले, कोई बात नहीं है। तो अभी दूध मैं चढ़ा के गया था जब गया। हाँ जी दोस्तों, तो देखिए अभी हम दूध देके वापस आ चुके हैं, और यहाँ पर दूध में चढ़ा के गया था, तो दूध कड़ चुका है, मतलब दूध अच्छे से गर्म हो चुका है, कड़ा लिया मैंने। और अभी इसको दूसरे में उल्टा देंगे, मतलब भगोने में, और फिर इसको बर्तन वगैरह साफ करके फिर जाएंगे खाना खाने। और पशु वगैरह को मैंने कर दिया था, इनको खोलना है बस अब। और सिया और बाबुड़ी यानी हमारी जो मुस्कान है, उसको हमें अंदर बांधना है, उसके बाद करते हैं हम दूसरे काम। मौसम हल्के हल्के बादल हो रहे हैं बस, और बारिश का कोई अता पता नहीं है अभी तक भी, पता नहीं क्या होगा, बहुत दिक्कत हो रही है पानी की, फसलें बेचारी सूख रही है अब तो बहुत। पीछे देखिए आप खेत हमारा, और पीछे काउ शेड है मेरा, बकरियाँ वगैरह यहीं बांधते हैं गाय को। और अभी गर्मी है तो बाहर बांध देते हैं हम, खुले में चौक है हमारे यहाँ पर सामने, जिसे गुआड़ी बोलते हैं, गुआड़ी में बांध देते हैं। और यहाँ पर दोस्तों दूध करने के बाद देखिए मम्मी आ चुकी थी रानी को लेके उस घर से, और मम्मी यहाँ पर खेड़ी पे लाके जो रानी है उसको स्नान करा रही थी, क्योंकि बहुत गंदी हो जाती है ये, अभी पानी वानी में कहीं भरा हुआ था उसमें बैठ जाती जाके इस कारण, क्योंकि गर्मी भी बहुत तेज़ है, तो फिर इसको भी गर्मी लगती है इस कारण। भैंसों का ये है कि ये पानी में जाके बैठ जाती है, और इनको रोज़ नहलाना पड़ता है हम लोगों को। और तो देखिए अभी मम्मी सुबह सुबह इसको नहला देगी, तो थोड़ी ठंडक रहेगी, तो ये आराम से चर लेगी, पेट भर लेगी इधर। और इसको इस प्रकार से रगड़ रगड़ के मम्मी नहला रही है। और देखिए पार्वती आ गई है, और दोनों पक्की बेस्ट फ्रेंड है मेरी, पार्वती और रानी। तो अभी मम्मी अच्छी तरह से नहला रही है इसको, और उसके बाद इसको छोड़ देंगे हम, तो चरी आएगी शाम को, दोनों साथ से तीनों आ जाएगी साथ में। काली हमारे नीचे चल रही है भाई वाली गाय, और ये दोनों पानी पी के फिर यहाँ से चल जाएगी वापस। तो देखिए इस प्रकार से नहलाते हैं भैंसों को हमारे यहाँ पर। और ये हमारे घर के सामने ये खेड़े बनी हुई, खेड़े बोलते हैं जो पानी पिलाते हैं उसको। तो पीछे हमारे खेत हैं ये जो देखिएगा, और यहाँ से हटते हुए जो पीछे दिखे थे अभी मम्मी के पीछे, ये वो दिख रहे हैं खेत हैं हमारे यहाँ पर। और ये देखिए मेरी पार्वती पानी पी रही है अभी, ये देखिए। और इनको ताड़ने के बाद यानी हम इसको यहाँ छोड़ देंगे, और उसके बाद हम जाएंगे घर पर खाना खाने के लिए। और ये देखिए दोस्तों खाना बन के तैयार हो चुका था, और आज का जो खाना है कृष्णा और कोमल दोनों ने तैयार किया था, क्योंकि कोई भी नहीं है। और ये देखिए चावल बने थे आज, रोटी भी बनी थी, पर अभी हम चावल ही खा रहे हैं सब लोग यहाँ पर बैठ के। और बच्चों ने संभाला आज पूरा खाने पीने का। निकिता क्या कर रही है, देखिए देखिए, तो देखिए छोरी लाड़ बर्तन धो रही है, मैं बताता हूँ आपको, इतने सारे बर्तन धो रही है, इनकी मम्मियों को भेज दिया है। मम्मी को गांव भेज दिया, और यह रोटी देखिए छोरी पूरा बर्तन साफ यही कर रही है, खाना कृष्णा ने और कोमल ने बनाया। और देखिए बर्तन इसको धोना पड़ रहे हैं पूरे घर के सारे बर्तन,
ये देखिए दो बर्तन कहाँ थे, सारे बर्तन है ये देखिए। क्या करे, बहुत दुख है छोरी के जीव को। नहीं निकिता, और बर्तन जाओगे? हाँ और जाओगे? क्यों ढाप गई? अब इसको झाड़ू लगाना है, बहुत सारे काम करने हैं। अभी एक बार चाय और बना ले फिर, है ना। हाँ बज रहे हैं दिन के 12 बज रहे हैं, 12:30 और निक कृष्णा चाय बना रही है। हाँ देख ले, ये देखिए चाय बन रही है हमारे लिए, और अभी हम चाय पियेंगे। ये देखिए भैंस के दूध की है, ये हमारे यहाँ पर भैंस है ना, तो इसमें चाय पत्ती भी ज्यादा लगती है क्योंकि भैंस का दूध गाढ़ा होता है इसका। दोनों बना रही है आज सुबह से, किचन में लग रही है दोनों बहनें। और ये हमारे वो खाने में व्यस्त है, वो बताते लाता हूँ आपको मैं। और ये हमारी बुक्कड़ अभी भी खा रही है, देखिए सुबह से आज चौथी बार खाने बैठ गई है ये, देखिए बुक्कड़ को। ये दोनों लड़ रही है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों मम्मी जा रही है खेत में, क्योंकि कुत्ते वत्ते घुस जाते हैं खेत में और जो सब्जी बो रखी है उसमें गड्ढे कर देते हैं, तो उनको भगाने के लिए ये देखिए कुत्ता आया है यहाँ से। बहुत नुकसान कर देते हैं ये सब्जी वगैरह बो रखी है, यहाँ पर जाके गड्ढे कर देते हैं क्योंकि गर्मी है, तो यहाँ गड्ढे खोद के बैठ जाते हैं ये। और ये देखिए ये भगा दिया मैंने यहाँ से, और मम्मी ये लकड़ी इधर फेंक देगी और लग जाएगी अब खेत में। थोड़ा सा जो सब्जियाँ हैं उसमें कचरा हो रहा है तो उसको साफ़ करने के लिए ये देखिए। और दोस्तों अब मैं आपको मिलाता हूँ हमारी जो रानी है उसका जो बछड़ा है और राजा, उससे मिलाता हूँ। अच्छा रे राजा, राजा ओ राजा कितना मासूम सा क्यूट सा बाबूड़िया, देखे से देख रहा कायरा कायरा कायरो कायरो नाल रही है। अरे पड़िया ओ पड़ो रे पड़ो पड़ो चारों खावे क्यों मैं नंबर को बड़ा ना। और यहाँ पर दोस्तों हम आ गए थे वापस घर में क्योंकि चाय बन गई थी तो बच्चों ने आवाज़ दे दी थी इस कारण। और तो ये देखिए चाय बन चुकी, इस प्रकार की केतली होती है उसमें छानते हैं हमारे चाय को। और हमारे निकिता देवी हैं ये जो सबको चाय डाल रही है, इसके पापा हैं यानी मेरा छोटा भाई है, और ये बच्चे यहीं थे, इनकी मम्मी वगैरह सब गई थी, ये भी गए थे पर इसके पापा के साथ वापस आ गए थे छोड़ने। और ये मैंने ले लिया कप यहाँ से, और ये तो कृष्णा को दे रही है, बच्चे संभाल रहे हैं पूरा काम आज घर का। और ये मम्मी के लिए भर रहे थे अपने, मैंने कहा अभी रुक जाओ मम्मी आ रही थोड़ी देर में, तो अभी हम चाय पीते हैं। और ये देखिए निकिता का ये दूसरा कप है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, राम राम सा खम।